नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए एक सीसीटीवी टेस्टर 5 मेगापिक्सल तक के कैमरे सपोर्ट करता है सभी टेक्नोलॉजीज के, हिकीविजन हो, सी प्लस हो, धोवा हो, एचडी हो, टीवीआई हो, कोई भी हो, ये सब कैमरे चलाता है। बट आईपी नहीं चलाता है, आईपी भी आता है बट अभी हम आपको जो है एनालॉग एचडी कैमरे जो है 5 मेगापिक्सल के इसके ऊपर टेस्ट करके बताएंगे। इसकी बैटरी है, बैकअप है और जो है किस तरह से ये काम करता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर है वो हम आपको बता देते हैं। ये इसमें 12 वोल्ट है, यूटीपी केबल भी इसमें टेस्ट हो सकती है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का आउटपुट है, एलईडी लाइट है इसमें और साथ में इसमें कुछ RS-485 जो है वो भी पोर्ट है और 4000 mAh की इसकी बैटरी है। अच्छा बैकअप है हमारे को जो है इसमें काम कर सकता है, ये कम से कम 3-4 घंटे जो है इसके साथ हम काम कर सकते हैं इसको फुल चार्ज करके। और हम आपको बता दें इसमें लिखा हुआ है देखो क्या क्या टेक्नोलॉजीज के कैमरे इसमें चल सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और आज हम इसको बॉक्स को ओपन अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या देखा है। पहले तो इन्होंने देखा है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का इसका चार्जर दिया है इन्होंने, अडैप्टर जो है जिसकी बैटरी जो चार्ज करेगा और साथ में इन्होंने जो है हमारे को एक स्पेशल केबल दिया जिसमें एक ऑक्स की तरह इसमें माइक जो स्टीरियो जो पिन है वो दे रखी है जिसमें जो है इसमें 12 वोल्ट आउट और हमारे कैमरे के लिए इनपुट है और साथ में एक ऑडियो का जैक भी है, यानी कि ये शायद ऑडियो चेक करने के लिए है, ऑडियो इनपुट के लिए है। बीएनसी ये सब जो डिवाइस हैं ये जो डीसी आउटपुट है और बाकी ये जो दो केबल हैं इससे इनपुट है यानी कि कैमरे में लगेंगे और ये जो है हमारे जो है इस डिवाइस में लगेगी। और एक इन्होंने बीएनसी टू बीएनसी केबल भी दे रखी है यानी कि कैमरा चेक करने के लिए अगर पावर जो है कैमरे के पास अलग से है तो उसके लिए भी इन्होंने केबल दे रखी है। और साथ में इन्होंने हमारे को एक टॉर्च दे रखी है, ये शायद इन्होंने इसलिए दे रखी होगी यूएसबी चेक करने के लिए या ज़्यादा लाइट अगर चाहिए हो कहीं पर तो। और साथ में इन्होंने हमारे को जो है इसका एक ब्रोशर दिया है, यूज़र गाइड दिया है, यूज़र मैनुअल जिसमें इन्होंने बताया हुआ है अभी सीसीटीवी टेस्टर की इसमें फोटो बनी है और इसमें लिखा हुआ है कि किस किस टेक्नोलॉजी के इसमें कैमरे चलते हैं और साथ में इन्होंने बताया है इसमें किस तरह से जो जो इसके ऑप्शन है कहाँ कहाँ पे क्या क्या है वो सब इसमें दे रखा है। तो हम देखते हैं अब आगे दिया है एक रिबन जो कि ये ग्रिप जो है हम हाथ में इसको पहन सकते हैं, फिर इस तरह से इसको यहाँ से लगा के इस तरह से हाथ में लेके हम काम कर सकते हैं। साथ में इन्होंने एक यूटीपी हमारे को एक लैन केबल के लिए जो है छोटा सा 45 फीमेल कनेक्टर दिया है यानी कि ये एक इसका रिसीवर है, दूसरी लैन केबल जो है यहाँ इसके दूसरी तरफ लगेगी और इस केबल को जो है अगर हम लैन केबल टेस्ट करना चाहते हैं तो इससे चेक कर सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं इसका क्या क्या इसके फीचर हैं लिखा है और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा बॉक्स भी बनाया है जिसमें हम कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं करने के लिए। यहाँ पे चार्ज करने के लिए इसके डीसी 5 वोल्ट का इसमें पिन है और यहाँ से इसमें इन्होंने ऑन और ऑफ का जो है इसमें बटन दे रखा है, तो ये सारे बटन है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक ऑक्स का बटन दे रखा है, इसमें इन्होंने केबल दिया है जिससे हम कैमरा अटैच करेंगे, वो आपको बताएंगे इसमें कैमरा चलेगा और आपको चला के अभी बताते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्पीकर भी है इसमें, आपने देखा यहाँ पे हमने केबल लगा दी है और जो हमारा कैमरा है ये सीप्लस का कैमरा है, एक हमारे पास हिकविजन का भी है, दोनों लगा के हम दिखाते हैं। और ऑन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने यूएसबी 5 वोल्ट के लिए राइट साइड को और सिंपल ऑन करने के लिए लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, यानी कि 12 वोल्ट अगर हमें चाहिए तो हमें लेफ्ट साइड को करना पड़ेगा इसको नीचे को, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ डीसी 12 वोल्ट की जो है लाइट जल जाएगी, अगर चार्जिंग करेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग की लाइट आ जाएगी, तो इसमें मल्टी कलर हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। और अब हम जो है यहाँ पे कैमरा जो हमारा पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं हमारा जो 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो ऑन हो चुका है, तो जिसमें जो है वीडियो आ रही है। तो 5 मेगापिक्सल का ये कैमरा है जिसका मॉडल नंबर है यहाँ पे J2 मेगापिक्सल का है। हम 5 मेगापिक्सल का हिकविजन का कैमरा चेक करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का हमारा कैमरा है, इसका मॉडल नंबर क्या है, इसका मॉडल नंबर है DS2CE1AHOT ITPF 3.6 mm। 5 मेगापिक्सल का ये कैमरा है आप देख सकते हैं हिकविजन का, और इसे हम चेक करते हैं इसमें कि ये किस तरह से चलता है। तो आप देख सकते हैं 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो है इसमें सक्सेसफुली चल रहा है और ये टेस्टर जो है इसको टेस्ट कर पा रहा है। और इन्होंने बीएनसी अलग से दे रखा है, अगर मान लो यहाँ से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से चाहे तो हम इसको ले भी सकते हैं, चाहे से यहाँ तो यहाँ से जो है आउट भी कर सकते हैं, यानी कि डीवीआर के साथ इसको जुड़ा रहने देंगे और कैमरा टेस्ट करने के लिए इस केबल को यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि अगर हमारी वायर चेक करनी है हमने बीएनसी का तो वो यहाँ से चेक हो जाएगी क्योंकि यहाँ से वीडियो आ रहा है, यहाँ से वीडियो जाएगा डीवीआर को, तो अगर वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है तो इट मीन्स भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है वीडियो की वायर में। तो इस तरह से जो है हमारा टेस्टर जो है वायर को भी टेस्ट कर लेगा जो की वीडियो की होगी, तो इस तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं। और लाइट में ऑन करके बता लेता हूँ, इसमें देखिए लाइट ऑन हो रही है
तो इस तरह से इसमें फंक्शन है। और साथ में अगर जो रेजोल्यूशन का एस्पेक्ट रेशो का बटन है उसको दबाने पर जो स्क्रीन हमारी छोटी हो रही है और दोबारा से ऑन हो रही है। अगर मान लो इसके ओएसडी फंक्शन को हमें यूज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू दबा रहे हैं और मेन्यू के बटन से जो है इसकी स्क्रीन के अपने फंक्शन आते हैं जिसमें ब्राइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है मैनेज कर सकते हैं हम, इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मेन्यू का बटन जो है इसलिए काम करता है, ओएसडी फंक्शन के लिए नहीं है, ओएसडी के लिए जो है यहाँ का ये बटन जो है काम करेगा। इसमें है ये जो टॉर्च है, इसे हम चेक कर लेते हैं नहीं इसको लगाने से क्या होता है, कितनी लाइट इसमें आती है, कितनी वोल्टेज मिल गई है। तो हमने अब इसको ऑफ कर दिया है, यानी कि स्क्रीन हमारी ऑफ हो चुकी है। ये केबल हम निकाल देते हैं और अब हम जो है इसको 5 वोल्ट जो है चेक करते हैं और आप देख सकते हैं यूएसबी हमारी जो है यहाँ टॉर्च चल रही है। अगर हमने कहीं काम करना है तो हम इसको लेके जाके जो है हैंडल में और साथ में जो है हाथ में पहन के इस तरह से और टॉर्च लेके जो है काम कर सकते हैं सीसीटीवी का। और साथ में हल्की सी यहाँ पे ग्रीन लाइट भी चल रखी है और ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए का है और जीएसटी बिल आपको मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, इसकी वारंटी भी है 6 मंथ की और साथ में जो है अच्छा है, हमने यूज करके देखा है और सही काम करता है। और साथ में इन्होंने जो भी एक्सेसरी दी है सब जो है अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी क्वालिटी का इसका प्लास्टिक है, टूटने का कोई डर नहीं है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है सीसीटीवी काम करने वालों के लिए और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आते रहे। ऐसे हम और भी सीसीटीवी के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता लग सके। और अगर आपको ऐसे और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। मैं इतना ही बताते हुए धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू दोस्तों।